स्टडी हार्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था एमडी और सीईओ पार्ट वन, ठीक है, जिसमें हमने कुछ 17 बैंक थे जिनके बारे में, जिनके एमडी और सीईओ के बारे में डिस्कस किया था। वो बेसिकली हमारे जो नेशनलाइज बैंक है, हमने सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हमारे कुछ नेशनलाइज बैंक बच गए हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने कंटेंट पढ़ लिया है, वो हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंट डेज, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिए हैं, हमने लगभग 100 इंग्लिश वोकैब पढ़ ली है, ठीक है, और हमने डिस्कस कर लिया है कि बैंकिंग हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट डेज और उसको कल तक खत्म कर देंगे। तो हमारी स्टैटिक जी के धीरे धीरे जी हैं, जो हमारी जो भी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज हो गए, और ये आपके हो गए, क्या नाम है, डेज हो गए आपके, बैंकिंग हेडक्वार्टर्स हो गए, ये सब हमारे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेज के जितने हमारे 9 महीने के बच रहे हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, वो आज खत्म कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो बच्चों हमारी है सीईओ और एमडी वाली, जैसे कि हमने डिस्कस करा, और उसका हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि बच्चों ये एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम को लेके, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना सब कुछ, हमें ये नहीं देखना कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, हमें अपनी तैयारी करके चलनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। पहला जो हमारा बैंक है, जो आज का पहला बैंक है इस लेक्चर का, उसका नाम है बच्चों भारतीय महिला बैंक, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी याद हो जाए, BMB, ठीक है बच्चों, भारतीय महिला बैंक। देखिए, भारतीय महिला बैंक की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका नाम है SM स्वाति, ये क्या है बच्चों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आपको करना क्या है कि आपको भारतीय महिला बैंक के बारे में पढ़ना है, जो लोग पढ़ पाए ठीक है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, आप लोग को थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको भारतीय महिला बैंक के बारे में जानना है, तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कब ये बना, कब इसकी स्थापना हुई, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हमें RBI के बारे में वैसे भी पढ़ना है, ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। भारतीय महिला बैंक के बाद बच्चों जो हमारा बैंक है, उसका नाम है केनरा बैंक। केनरा बैंक के जो हमारे बच्चों हमारे जो वो हैं MD CEO, उनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, जो हमारे थर्ड नंबर पे हैं वो है IDBI बैंक लिमिटेड, बस मैं IDBI लिख दे रहा हूँ, ठीक है, IDBI के हमारे किशोर पिराजी कारत। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट बैंक आता है बच्चों, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ IOB, आपको फुल में लिखना है अपने रूप में, IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। IOB के जो हमारे हैं, उनका नाम है आर कोट्टेश्वरम। ठीक है बच्चों, जो हमारे फिफ्थ बैंक है, उसका नाम है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक के जो हमारे हैं MD CEO, उनका नाम है अरुण श्रीवास्तव। देखिए, ये बहुत ही
मतलब मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पेपर में कर नहीं सकते। तो आपको ये सब चीज़ें अभी से याद रखनी है ताकि आपकी तैयारी आपको पता भी ना चले और धीरे धीरे आपकी सारी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो हमें अभी से धीरे धीरे सारा डोज लेते हुए चलना है। सिंडिकेट बैंक के बाद है हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये सब चीज़ें आदमी लास्ट में पढ़ना शुरू करता है। बच्चे, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है, वो ये सब चीज़ें हम लोग आखिरी में पढ़ लेंगे। हम लोग देखिए आखिरी में कुछ नहीं होता, आखिरी में सिर्फ आदमी परेशान हो जाता है और कुछ नहीं होता कि उसको ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, और उसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो अभी से सब चीज़ें अपनी रेडी करके रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा लोड ना हो। धीरे धीरे पढ़िए, सब याद हो जाएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बच्चों, हमारे पी श्रीनिवास, पी श्रीनिवास। जो हमारा सातवां बैंक है बच्चों, उसका नाम है विजया बैंक। मेरे ख्याल से विजया बैंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शायद, एक बार आप देख लीजिएगा पुराने लेक्चर में, शायद अगर आपने नोट किया तो वहां देख लीजिएगा। विजया बैंक शायद डिस्कस कर लिया है। विजया बैंक के फिर से डिस्कस कर लेते हैं। विजया बैंक के हमारे किशोर कुमार सांसी, या लिख लीजिए के सांसी या किशोर कुमार सांसी, ठीक है। तो हमारे साथ हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में, कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। ज़्यादा नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम को लेके इम्पोर्टेंट लगते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमें नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि PVT बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, अब देखिए प्राइवेट बैंक्स की जब बात होती है तो एक इम्पॉर्टेंट बैंक बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की जो हमारी है उनका नाम है श्रीमती शिखा शर्मा। शिखा शर्मा, ठीक है। प्राइवेट बैंक के बाद जो हमारा बैंक है बच्चों, उसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी बैंक आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये सब टॉप रेटेड बैंक्स हैं, तो इनके बारे इनका एटलीस्ट पता हो तो हमें मेरे ख्याल से एग्जाम में आ सकता है। मतलब मैं पक्का नहीं कह रहा कि आ जाएगा, पर जितने भी प्राइवेट बैंक है ना उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे सिटी बैंक हैं उनका नाम है डॉक्टर एन कामाकोदी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है उसका नाम है फेडरल बैंक। है तो प्राइवेट बैंक बहुत सारे, बट मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक्स में। सरकारी हमें सारे पता होने चाहिए, पर प्राइवेट कुछ इंपॉर्टेंट ही पता होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बैंक हैं तो इनका पता होना चाहिए। फेडरल बैंक हमारे हैं, उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, फेडरल बैंक के बाद हमारा जो बैंक है नेक्स्ट वो है ICICI बैंक। अब आपका एक काम है, होमवर्क, आपको क्या करना, ICICI का फुल फॉर्म याद करना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा बट याद करना है, ठीक है। ICICI का है जो हमारे हैं उनका नाम है श्रीमती चंद्रा कोचर। ये भारत की बहुत पावरफुल लेडीज में से एक हैं, चंदा कोचर, श्रीमती चंदा कोचर, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर और इंदिरा नूरानी जो पेप्सिको की हैं, ये भारत की बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडीज़ हैं। तो जब हम लोग जीए पढ़ेंगे तो हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कहाँ से है, नवरत्न कंपनीज क्या होती हैं, मारुति कंपनीज क्या होती हैं, इनके डायरेक्टर कौन है, इन पे बड़े बड़े पद पे कौन है, ठीक है। डिफरेंट जो विभिन्न देश हैं उसमें राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि जीए में कुछ भी कहीं से पूछा सकता है। तो हमें अपनी पूरी तैयारी लेके चलनी, ठीक है। ICICI बैंक के बाद हम आते हैं बच्चों इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक के जो हमारे उनका नाम है रमेश सोपती। ठीक है, इंडसइंड बैंक के बाद जो है हमारे उनका नाम है बच्चों, जो बैंक है उसका नाम है आईएनजी वैश्य बैंक। ठीक है, आईएनजी वैश्य बैंक के हमारे शैलेंद्र भंडारी। ठीक है, शैलेंद्र भंडारी जी हमारे। अब देखिए, बस मैं कह दो बैंक और बच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ। जब प्राइवेट बैंक्स की बात हो रही है तो एक बहुत बड़ा बैंक आ जाता है हमारे सामने, एचडीएफसी। हमें एचडीएफसी का फुल फॉर्म भी लिख लेना है जगह, मैं बताऊंगा आपको, बट आपको याद होना चाहिए ताकि उस टाइम में जब पढ़ाऊं तो आपको सारे याद हो, आईसीसीआई का क्या होता है, एचडीएफसी का क्या होता है। ठीक है, इन सब का फुल फॉर्म लिखते चलिए। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा सीबी का क्या होता है, इन सबके मैं सबके बताऊंगा, पर आप अपनी तरफ से तैयारी करके चलिए। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। एचडीएफसी के जो हमारे हैं उनका नाम है आदित्यपुरी। ठीक है, एचडीएफसी के जो हमारे हैं उनका नाम है आदित्यपुरी। अब जो हमारा लास्ट बैंक में पढ़ रहा हूं, दो बैंक और बच रहे हैं हमारे जो प्राइवेट के बहुत बड़े हैं। एक तो हमारा है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक। ठीक, कोटक बैंक के जो आपके मालिक हैं वो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं, बहुत ही मतलब फेमस आदमी है, उनका नाम है उदय कोटक। ये जब आपको इतना सारा पता होगा ना तो आपको अपने दोस्तों के साथ या जिन लोगों के साथ आप तैयारी करते हैं उनके साथ आपको कंपटीशन करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद जो हमारा नेक्स्ट बैंक और जो लास्ट बैंक है उसका नाम है यस बैंक। प्राइवेट बैंक से अगर इतना पता है तो मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा फेमस और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बैंक के जो हमारे हैं उनका नाम है राणा कपूर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने सारी प्राइवेट बैंक्स पढ़ ली हैं, मैक्सिमम 9 या 10 बैंक हो गई हैं। अगर आपको और चाहिए तो मेरे पास और बहुत सारी बैंकों के वो भी हैं, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको और चाहिए, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि उनकी तैयारी भी इतने में कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप मैं और भी बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके में मैं आपको MD CEO बता दूंगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इन सब की जगह नोट कर लेना है, और जिन लोगों ने अभी तक स्टडी आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लोग वीडियो देख तो लेते हैं, देखिए आपने वीडियो देख लिया बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पर इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आप डिले कर देंगे उस चीज़ को समझने में या याद करने में। तो स्टडी आर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लोग देख रहे हैं वीडियो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हो पढ़ रहे हो, बट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, बताइए आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आज मैं डेज का ख़त्म करने के बाद अब जो पढ़ाऊंगा डेज आज मैं ख़त्म कर दूंगा, आई होप मैं आज डेज ख़त्म कर दूंगा। तो हमारे डेज हो गए, बैंकिंग हेडक्वार्टर हो गए, इनइक्विटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैथ के दो टॉपिक हो गए, रीजनिंग हमारे रीजनिंग में इनइक्विटी खत्म हो गया है पूरा, ठीक है, इनइक्विटी खत्म हो चुका है हमारा, डेज खत्म हो गए, हेडक्वार्टर खत्म हो गए, डेज आज खत्म हो जाएंगे, और ये हो गए आपके जितने भी MD CEO हैं ये हो गए। ठीक है, मतलब हमारा 10 नंबर 12 नंबर का हमारा जो काम हो चुका है। ठीक है, अब जो आज से शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे बैठाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, फ्लोर वाइज पजल क्या होती है, अब उस पर काम करना है, क्योंकि आप जो पैटर्न आपका बैंक का आ रहा है, बैंक का जो पैटर्न अब आ रहा है उसमें मैक्सिमम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, PO लेवल में तो कॉम्प्लेक्स लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उस पर बात करना जरूरी है। इंग्लिश हमारी चल रही है, इंग्लिश में अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं 50-50 से 30-30 वर्ड अब पढ़ाना शुरू करूं, क्योंकि 10-15-20 वर्ड से कुछ होगा नहीं, इसलिए जो लास्ट वीडियो आया था इंग्लिश का उसमें 50 वर्ड थे। ठीक है, तो स्टडी हार्ट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारा फेसबुक पेज है स्टडी हार्ट बाय एक्सपर्ट, उसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।